नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम रिसेंटली होने वाले आईपीओ व्हिच इज क्लीन साइंस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो वील ऑल्सो डिस्कस वेदर और नॉट यू शुड सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ और नॉट। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ हैं दैट क्लीन साइंस का आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा फॉर पब्लिक इन्वेस्टर्स एंड इट विल क्लोज ऑन 9th ऑफ जुलाई। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज इज 1546 करोड़ एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फॉर ऑफर फॉर सेल रूट। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹880 से लेकर ₹900 पर शेयर है। एंड फाइनली मार्केट लॉट साइज ऑफ दिस आईपीओ इज 16 शेयर्स इन वन लॉट। कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ हैं दैट इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट इज 19th ऑफ जुलाई। एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकता है इस आईपीओ में विच इज इक्वल टू 208 शेयर्स। क्लीन साइंस का प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसके आईपीओ से पहले वॉज 94.66% एंड नाउ आईपीओ के बाद दिस शेयर होल्डिंग विल बिकम 78.51%। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2003 में इनकॉर्पोरेट करी गई थी एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। क्लीन साइंस फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि परफॉर्मेंस केमिकल्स, MEQH, BHA एटसेट्रा एंड अदर फार्मास्यूटिकल इंटरमीडियरीज एंड FMCG केमिकल्स। क्लीन साइंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करती है जैसे कि चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान एंड जापान। इस कंपनी के कस्टमर्स इंक्लूड बायर AG, जेनेक्स लेबोरेटरीज, न्यूट्रियाड इंटरनेशनल, SRF लिमिटेड, विनाटी ऑर्गेनिक्स एटसेट्रा। अलॉन्ग विद दिस 2020 में इस कंपनी ने अपना 69% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके कमाया गया था। क्लीन साइंस कंपनी के दो मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं इन कुरकुम इन महाराष्ट्र विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 मेगाटन्स पर एनम। क्लीन साइंस के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जैसे कि इट इज़ द लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ मेजर केमिकल्स लाइक एनसोल, 4-MEQH, BHA, DCC एट्सेट्रा। इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ GNPT पोर्ट टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर्स। क्लीन साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है इसका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीन साइंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस है विद एक्सपोर्ट टू सेवरल कंट्रीज लाइक USA, जापान, कोरिया, ताइवान एट्सेट्रा। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ इशू करने के तीन मेजर रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है टू रेज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 1546 करोड़। सेकेंड रीजन टू इशू आईपीओ है टू अचीव द शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑन NSE एंड BSE। एंड लास्टली थर्ड रीजन टू गो फॉर द आईपीओ है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ क्लीन साइंस कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है सिंस इसने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अलॉन्ग विद दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर फॉर दिस कंपनी। टोटल एसेट साइज एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड भी काफ़ी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 3 ईयर पीरियड। इसके साथ साथ बेस्ड ऑन FY 2021 अर्निंग्स इस आईपीओ का इशू प्राइस इज एट अ PE ऑफ 48.18 अगेंस्ट द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 55.38। इस कंपनी की काफ़ी अच्छी बात ये है दैट कि अलॉन्ग विद बीइंग प्रॉफिटेबल दिस कंपनी इज ऑल्सो पेइंग रेगुलर डिविडेंड्स सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो दिस कंपनी हैज़ गिवन अ डिविडेंड ऑफ 750%। अलॉन्ग विद दिस 900% डिविडेंड इन FY 2020 एंड 20% डिविडेंड फॉर FY 2021। सो शुड यू इन्वेस्ट इन दिस IPO और नॉट, लेट्स डिस्कस दिस एंड डाइव डीप इनटू इट। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक काफ़ी ग्लोबल प्लेयर है विद अ नीश इन टेक्नो डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। इस कंपनी ने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शोकेस करी है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेटेड। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली ये है दैट ये कंपनी 2020 से ही अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड्स दे रही है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स दिस इशू अपीयर्स टू बी फुली प्राइज्ड। सो इन द एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
So friends, this was the video regarding Clean Science Technology IPO and whether or not as a retail investor you should invest in this IPO or not. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज इन द फ्यूचर. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.